सभी साथियों से यह है कि अभी जो प्रोग्राम हरियाणा में आज एक बड़ी घटना हुई हिसार के अंदर और बहुत से लोग उसमें घायल हुए हैं, वहां पर करीब 200 से ज्यादा लोग जो पता चला अभी उनके चोट लगी है, बहुत लोग गिरफ्तार वहां पे हैं और मैहर टोल के ऊपर सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हम भी पानीपत असंध इस साइड से वहां पे जा रहे हैं, अभी पूरी सब लोग यहां से हैं, साथ में हैं काफी लोग, तो वहां पे जा रहे हैं। बहुत लोग वहां पे पहुंच भी लिए और मुजफ्फरनगर में भी वहां पे लोग धरने पे बैठे हैं और अब सरकार लाठी के ताकत पे आंदोलन को दबाना चाहती है, तो ये तो नहीं होगा। एक बार लोगों को आना पड़ेगा और ये कोरोना को छोड़ के, कोरोना की जंग अलग रहेगी और सरकार से जंग अलग रहेगी, ये दोनों जंगों से किसानों को लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोरोना के डर से लोग घर में बैठ जाएंगे, तो वो भी नहीं होगा। और जिस तरह से हरियाणा पूर्ण रूप से निकल के आ रहा है, ऐसे ही हम लोगों को भी, दूसरे स्टेट के लोगों को भी सामना आना पड़ेगा। और जब ये घटना घटी उसके तुरंत बाद में मुजफ्फरनगर में और जगह भी बातचीत कर रहे हैं सब जगह के लोग, सड़कों पर आए अपना प्रदर्शन करें, उनको ज्ञापन दें और जितने लोग जेल में गिरफ्तार करे हैं उनको छोड़ा जाए। ये हैं, हम पहुंच रहे हैं और जो भी वहां के घटना होगी वो तुरंत आप लोगों को बताएंगे। पहुंच के और आप भी कोई भी चीज जो होगी उसके लिए आप सब लोग तैयार रहे। और जो कोरोना काल चल रहा है इसमें दहशत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है कि इसमें बिल्कुल घर में बैठे रहेंगे और निकला नहीं। कोरोना तो एक किस्म का भूत है जो दिखता नहीं, वो घर में भी आएगा वो बाहर भी आएगा। आप अपने आप को मजबूत रखें तो कहीं नहीं आएगा, डर से वो ज्यादा आएगा। जितना आप डरोगे घर में रहोगे उतना ही वो ज्यादा आएगा। अपने आंदोलन में भी ये भी नहीं कि गाजीपुर का आंदोलन और दूसरी जगह के आंदोलन चलते रहेंगे, मैं घर में रहूंगा और आंदोलन चलता रहेगा, वो नहीं अब होगा। आंदोलन होगा, पदाधिकारी होंगे, उनको अपने टेंट और वो सब लगाने पड़ेंगे, उनको निकलना पड़ेगा घर से, नहीं तो ये आंदोलन नहीं चलने वाला। इस तरह से 6 महीने हो गए, आगे कितना लंबा आंदोलन चलेगा इसका भी कोई जानकारी नहीं है। तो आप सब लोग तैयार होके निकले, एक जंग सरकार से होगी और दूसरी जंग कोरोना से होगी, दोनों जंगों पे लड़ना पड़ेगा हमको, नहीं तो ये सरकार भी मारेगी और ये कोरोना भी मारेगा। तो हमको दोनों जंगों पे हमको तैयारी करनी पड़ेगी, दोनों पे लड़ना पड़ेगा। अभी जो भी हालात होंगे हम हरियाणा में जा रहे हैं, जो भी स्थिति होगी हम वो आपको जाकर वहां पे बताएंगे। अभी इतना ही है, अभी रास्ते में ये पूरा हरियाणा के पूरे जो गांव है अभी यहाँ पे कोई काम नहीं है, धान का काम अभी यहाँ पे चलेगा, अभी नहीं चल रहा, अभी तो पौध की बुआई यहाँ पे चल रही और धान का काम यहाँ पे चलेगा। अभी 4-25 अगले महीने में शुरू होगा यहाँ पे, अभी 1-1.5 महीना के लोग यहाँ पे फ्री बहुत रहेंगे। और ऐसे ही दूसरे साइड में भी है, ये फसल चक्र है, अलग अलग जगह काटता रहता है। और हरियाणा के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर पे हैं, तो बॉर्डर पे ये भी है कि ज्यादा लोग भी ना रहें और कम लोग भी ना रहें, उनका सब लोग ध्यान रखें और वहां का अता पता जरूर लेते रहें। धन्यवाद। राकेश टिकैत हिसार जाते हुए।